ये क्रोम है आपका, बढ़िया लग रहा है। कितने का है ये? 550 का, ये 6 पीस। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल। मैं उम्मीद करता तुम सारे वधिया होगे, सिर्फ बहुत वधिया जा रहे होंगे। सो न्यू डे न्यू व्लॉग, गगन सीधा कॉलेज से आया और हम घर से उठ के आए हैं पापा और मैं। तो आज हम जा रहे हैं करोल बाग। करोल बाग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि गाड़ी ली है तो इसकी ना जो थोड़ी बहुत एसेसरीज है वो करोल बाग से लेनी है। देख रहे हो जैसे अभी ये धूप पड़ रही है, जैसे अभी ये धूप पड़ी है तो इसको रोकने के लिए सनशेड लेने हैं, बहुत सारी चीजें लेनी है क्योंकि आगे हमारी ट्रिप आ रहे हैं। तो ट्रिप के लिए इसको लोड करा देना है ताकि ट्रिप पे हमें कोई दिक्कत ना आए। भाई अभी ना हम कहते हैं संकट में फंसे हैं। कौन से संकट में फंसे हैं? हम ना ट्रिप के प्लान कर रहे हैं, कभी हाँ हो जाता है ट्रिप का, कभी ना हो जाता है। तो लद्दाख का कभी हाँ हो रहा है हमारा, कभी ना हो रहा है। हमारी बातें चल रही हैं कि जाए ना जाए, अभी फोन कॉल पे बातें हो रही हैं, अपडेट मिल रही हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले एक दो व्लॉग्स में आपको कन्फर्म हो जाएगा। एक ट्रिप तो हमारा कन्फर्म है ना, वो बता दूँ कहाँ का है या नहीं बताता अभी, है ना? क्योंकि वो फिर हम तब बताएंगे ना, तब भी तो हमने व्यूज लेने हैं। अभी सस्पेंस भी रखना बड़ा जरूरी है। तो ये ट्रिप तो कंफर्म है, उसके पहले हम लद्दाख जोड़ रहे हैं ताकि वो और मजा आ जाए। तो देखो, या तो आज शाम तक पता चलेगा या कल तक पता चलेगा। जितनी जल्दी हमें पता चलेगा उतनी जल्दी हम अपने दो जोड़े कपड़े पैक करेंगे। पिछली बार हम बड़े सारे कपड़े लेकर गए थे, पर इस बार हमने सोच लिया कि इस बार हम ज्यादा कपड़े नहीं लेकर जाएंगे, इस बार हम थोड़े से कपड़े लेकर जाएंगे और हम निकल जाएंगे। दो जोड़ी कपड़े, एक मेकअप बॉक्स, हाँ, और एक कैमरा बैग, एक कैमरा मद्दा, हाँ, चार जूते, बस डन। जूते तो इतने खाने हैं, डन हो गया हमारा ट्रिप। भाई करोल बाग में जाम बड़ा है, तो हमने अभी सबसे पहले लेना है सनशेड, क्योंकि ना इसके जो विंडोज हैं बहुत बड़ी है तो धूप बहुत ज्यादा दी तो लगती भी बहुत ज्यादा है वो। भाई सनशेड हमने देखे हैं ना, उन्होंने हमें बहुत सारे दिखाए। एक तो जो चुंबक जैसे चिपक जाते हैं, एक ऐसे जो चेन वाला होता है, तो हम कंफ्यूज हो रखे हैं कि जो एक उन्होंने दिखाया जो परमानेंट लग जाते हैं। एक उन्होंने कौन सा दिखाया? परमानेंट लग जाते हैं, परमानेंट नहीं मतलब टेम्परेरी होते हैं, बट वो चिपक जाते हैं। परमानेंट लगेंगे यहाँ पे, यहाँ चिपकेंगे और फिर दो पेज भी लगेंगे। मैंने वो नहीं लगवाने हमें, दो पेज भी लगाने, दो पेज वाले फिर बेकार हो जाएंगे, पेज वहाँ लगने दर्दियाँ होने। और अभी देख रहे हैं उनसे मंगवाए हमने कि कौन से लगेंगे यहाँ पे। बाकी ना आज बड़ा अच्छा दिन है, मेरी नजरें सामने से नहीं हट रही, बस सामने मटन मिलता है, मटन खाएंगे आज हम गणेश का। और टाइम से खत्म भी हो जाता है अभी, टाइम तो है, बर्थडे का टाइम है। सवा पाँच हुए अभी तो। कितने का है ये? 550 का, ये 6 पीस। ये रुकेगा कैसे बेटा? दिखा, खोल के दिखाओ ना, ऐसे कैसे पता लगेगा? ये लगेगा आपा, ये हाफ वाला लगेगा आगे, ये हाफ वाला यहाँ लगेगा ताकि ये शीशे दिख सके, समझ रहे हो? खोलना तो ऐसे खुल जाएगा नीचे, ये बिना चेन वाला है, ये हाफ इस लेना शीशा देखने के लिए। आप ये चल जाएगा तेरा उधर, इतना चल सकता है। तो चेन वाला भी ऐसी आएगा? चेन वाला ऐसे नहीं, चेन वाला पूरा आता है, मगर वो उसका अभी बना ही नहीं। अच्छा भाई, हम टायर लॉक भी देख रहे हैं, गई बोतल की टायर लॉक देख रहे हैं। तो हमने साथ में टायर लॉक भी ले लिए, दो टायरों के लिए ले रहे हैं। कैसे लगाने थे एक बार दिखा दो गगन को, सिखा दो भैया अच्छी तरह। कल से अपनी गाड़ी के लगाने के बाद यही आएगा आपके साथ, दूसरी गाड़ी पर लगवाएगा ये। वो दबाना है चाबी, चाबी आपको मिलेगी। अच्छा, मैं आपको इस दुकान की लोकेशन बता देता हूँ। जैसे अगर आप करोल बाग में एंटर कर रहे हो तो आपके लेफ्ट साइड में ही पड़ेगी सेवक कार इंडिया, सरदार जी अंकल की शॉप है, मतलब बहुत बढ़िया शॉप है। हमने अपनी गाड़ी का जो जो काम हो रहा है यहीं से करा रहे हैं। देख लो पीछे आपको बोर्ड दिख रहा होगा, सेवक कार इंडिया, ये भैया आपको दिख जाएंगे बाहर बैठे हुए, बुला लेंगे। अगर आपको कुछ भी गाड़ी का काम कराना है तो आप यहाँ आ जाओ, अंकल जी मिलेंगे तो उन्होंने वधिया काम कर देंगे। देखो सनशेड हमने लगवा लिए हैं, तीनों पे लग गए हैं। बाकी अब हम इसके रेन वाइजर देख रहे हैं, तो यहाँ पे साइड में रख जाएंगे क्योंकि बारिश आए तो पानी अंदर ना जाए। भाई अभी हम ना अपने पीछे वाले शीशा नाप रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये हम आपको अपकमिंग व्लॉग्स में बताएंगे। और हमने एक चीज और देखी है, जैसे हमने ये सारे सनशेड लगवाए ना, तो हमने एक फ्रंट शीशे का भी सनशेड लिया है, वो हमने दुबई में पहली बार देखा था। उसमें क्या होता है, जब आप अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हो ना, तो धूप की वजह से ना आपकी गाड़ी बहुत गर्म हो जाती है, तो आगे सनशेड लग रहा है आपको दिख रहा होगा, उससे ना गर्मी नहीं रहेगी गाड़ी में। कितना है?
3 फुट 8 इंच। भाई पापा और इतनी तेज भागते जा रहे हैं, मेरे को छोले भटूरे खाने का जी कर रहा है। ये गाड़ी में सामान लेने जा रहे हैं भाई। ये रेन वाइजर भी आ गया, अब हम इसको लगाएंगे शीशों के बाहर ताकि जब बारिश आने तो बारिश का पानी अंदर न जाए। पता है सबसे बढ़िया सनशेड क्यों लगाए हमने, क्यों? धूप से तो चलो कोई ज्यादा टेंशन नहीं थी, अभी ये गाड़ी की ना रोड प्रेजेंस ज्यादा है और इसके शीशे बड़े हैं और अब हमारा थोड़ा सा नाम भी हो चुका है। हम गाड़ी में बैठ के लड़ नहीं पाते थे कि लोग हमें देख लेंगे, तो हमने सनशेड लगा लिए है कि चलो हम अंदर लड़ तो सकते हैं। ये क्रोम है आपका, बढ़िया लग रहा है। क्रोम काला काला क्यों हो गया? काला नहीं, काला नहीं है, इसके ऊपर स्टीकर लगा हुआ है, पन्नी लगी है ना। ठीक है लगा यार, लगा कितने के? लगा दो भाई। अब हम ले रहे हैं ये जो साइड मिरर होते हैं ना, यहाँ पे हमें लगाना है ब्लाइंड स्पॉट वाला। इससे क्यों? क्योंकि CHR में क्या होता था, जो उसके शीशे होते थे ना वहाँ पे निशान सा आ जाता था अगर कोई ब्लाइंड स्पॉट में आ जाए तो। इसमें वो निशान नहीं आता, येलो येलो ब्लिंक सी, बट ब्लाइंड स्पॉट से क्या होता है जब गाड़ी चलाते हो ना ब्लाइंड स्पॉट होता है, बहुत कम लोगों को पता होगा, जो मेरे ख्याल पता भी हो सकता है। तो ब्लाइंड स्पॉट के छोटे मिरर आते हैं वो लगवा दो तो उससे और सेफ्टी हो जाता है, वो ब्लाइंड स्पॉट में दिख जाता है कि कोई है या नहीं है। भाई ये हमने ब्लाइंड स्पॉट का भी लगा दिया, ये अभी आपको इसकी ज़्यादा समझ अभी नहीं आएगी, जब बंदा गाड़ी चलाता ना तब इसके बेनिफिट्स पता चलते हैं। भाई गाड़ी का हमारा सारा काम हो गया, हमने शेड्स ले लिए, रेन वाइजर, ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ का जो बड़े वाला शीशा होता है सबसे आगे का उसका शेड ले लिया, और कार के जो टायर लॉक होते हैं वो ले लिए, और मेरे को याद भी नहीं है बाकी इतना कुछ हो गया। अब लोडेड हो गई है, अगर आपने कराना तो आप आ सकते हो, कार सेवक इंडिया तैयार हो गई है। लद्दाख के लिए सोच लो या दूसरी ट्रिप के लिए सोच लो, जहाँ के लिए भी जाना तो है ही, ट्रिप पे आग लगा देनी है। सबसे बढ़िया है वाइजर सब है ना, अब आराम से बैठ सकते हैं। इसके शीशे बहुत बड़े थे तो भाई रोड प्रेजेंस बहुत ज्यादा थी इसकी। भाई अब हम आ गए हैं रजत फोम सेल्स पे, क्योंकि अगर आप मेरे को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो मैंने जब अपना कमरा बनाया था तो यहीं से फोम ली थी अपने कमरे के लिए, बट अब गगन के लिए लेनी है। क्यों? क्योंकि गगन का जो छोटा सा ऑफिस बना है इसके कमरे में ही, तो जो इसकी चेयर है ना वो दीवार पे लगती है, तो दीवार सारी खराब हो गई, तो हम सोच रहे हैं वहाँ पे भी ऐसे फोम लगा के सही कर देंगे। भाई हमने ये ले लिया फोम, ये वाली, ये मिडल वाली है, मतलब मिडल वाली है नहीं, नहीं, ये हैवी वाली है। कितने की है ये? ये हैवी वाली 500 रुपए की। अच्छा कितने पीस है हमारे? 6 पीस लेने आपने? ठीक है भाई ये 6 पीस ले लिए, गगन के उसमें लग जाएंगे। पहले जो दीवार है वहाँ पे लकड़ लगेगी सारी, फिर उसके ऊपर ये फेविकोल से चिपक जाएगा। भाई अब सुबह का कुछ खाया नहीं था तो भूख बहुत ज्यादा लगी है, तो अब हम आ गए सैंडोस, यहाँ पे करोल बाग वाले पे बहुत पुराना है, यहाँ पे रज के आज खाएंगे हम। सो फाइनली डन विद डिनर, यार रोटी खा के ना नींद आ जाती है, तो अब नींद आने लग गया, बट नींद को छोड़ो और अब मेन बात करते हैं कि गाड़ी हमारी थोड़ी बहुत लोडेड हो चुकी है, जो हमारा मेन काम था वो हमने करवा लिया, बड़ा बड़ा काम पड़ा है। पीपीएफ नहीं, फिर वो तो बात का काम है। कोई अगर पीपीएफ वाला हमें देख रहा हो ना, तो अगर कोई करता हो पीपीएफ तो लेट अस नो। और क्या काम है मेन काम? स्नो चेन, हमने स्नो चेन लेनी है, और एक स्लगर, स्लगर नहीं, स्लगर क्या था, कहते हैं किसे? वो खींचने वाले को? नहीं नहीं, स्नो चेन नहीं, अरे जो हथ वो टो पट्टा, टो पट्टा तो हो गया, जिसे श्रग, श्रग क्या कहते हो, शनल, शनल, शोवल, 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 शोवल लेना है, वो जो शोवल तो कहीं से मिल जाएगा, बर्फ वाला होता है वो, तो हम किसी मिस्त्री से उठा लेंगे। तो हमारा जो लद्दाख का प्लान चल रहा है वो भी आप मान लो, अब कितने परसेंट हो सकता है लद्दाख का? 80% तक पहुंच गया है, 80% पहुंच गया, बस हम एक दो चीजों की वेट कर रहे हैं, अगर वो हो गई तो फिर 100% हो जाएगा, वो भी हो जाएगा तो आपको व्लॉग्स में पता चल जाएगा, सून पता चल जाएगा उन चीजों का भी, बट कोई नहीं, तैयारियां पूरी चल रही हैं, एक ट्रिप तो है ही, लद्दाख का प्लान ऑलमोस्ट 80% डन चुका, अब घर चलते हैं फिर देखते हैं। भाई सो फाइनली वी आर बैक होम, इट वाज अ टायरिंग डे है ना, सुबह से लगे हुए थे तो अभी रात के 1 बज चुके हैं, अभी जस्ट डन विद वीडियो एडिटिंग, इट वाज अ ग्रेट ग्रेट डे, गाड़ी भी मॉडिफाई हो चुकी है,
देखो आगे क्या प्लान होते हैं, बट वो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कैसे अपडेट मिलेगा? सब्सक्राइब कर लो, अपने आप अपडेट मिलता रहेगा। तो यदि नाल ही इस व्लॉग नु करते हैं एंड में, उम्मीद करता हूं तुम्हें पसंद आए। तो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर हिट करया करो, तो कमेंट जरूर करके जाया करो। थोड़ा अपना व्लॉग है यार, प्यार दिखाया करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।